सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गेला। एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। हरियाणा की सियासत में वड्डा धमाका। अशोक तंवर ने फड़िया आम आदमी पार्टी का पल्ला। अरविंद केजरीवाल ने अशोक तंवर नूं आप विच शामिल करवाया। राज्यसभा में 6 नवे संसद मैंबरों की हुई एंट्री। असाम केरल नागालैंड के 6 नवे चुने मैंबरों ने राज्यसभा की मैंबरता की सहुं चुकी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने समूह डिप्टी कमिश्नरों नाल की मुलाकात। मुड़ वसेवा केंद्र एक महीने में अपग्रेड करने लिए कहा। जिला प्रशासन के अफसरों लिए बेहतरीन कारगुजारी अवार्ड देने का भी किया ऐलान। हरियाणा कांग्रेस के सबका प्रदेश प्रधान तृणमूल कांग्रेस के नेता अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी में शामिल होकर हरियाणा की सियासत में वड्डा धमाका किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने खुद अपनी रिहायश उत्ते तंवर को पार्टी में शामिल किया। अशोक तंवर के नाल गुरमेल सिंह ने भी आम आदमी पार्टी की मैंबरशिप लैके हरियाणा दी होर पार्टियों लिए परेशानी बढ़ाने का काम किया। दस दिए कि अशोक तंवर 2009 तो लैके 2014 तक सिरसा तो संसद मैंबर रहे ने। आसाम केरल और नागालैंड तो राज्यसभा चुने गए 96 मैंबर ने उच्च सदन के मैंबरों वजो सहु चुकी है। अज उच्च सदन की कार्रवाई शुरू होते ही तीनों सूबे के नवे चुने गए मैंबरों सहु चुकाई गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने समूह डिप्टी कमिश्नर सूबे में खास करके पिंड जाके निरंतर जनतक मिलनिया करने के हुक्म दिंदिया कहा कि इस लोगों की तसली मुताबिक उन्होंने समस्यावां मौके उत्ते सुलझाना यकीनी बनाया जा सकेगा। पंजाब भवन में डिप्टी कमिश्नर मीटिंग की प्रधानगी करते हुए भगवंत मान ने डिप्टी कमिश्नर सांझे तौर उत्ते सांझ केंद्रां दी अचनचेती जांच करने लिए आख्या क्यों जो केंद्रां नूं प्रमुख तौर उत्ते लोगों की सहूलत लिए बनाया गया सी अते उन्हां नूं नागरिक केंद्रित सेवावां सुचारू ढंग नाल मुहैया करवाउण लई भी कहा है। बेहतर कारगुजारी विखाउण वाले डिविजनल कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर जिला पुलिस मुखियां SDM ते होर खेतरी अधिकारियों लई भगवंत मान ने बेहतरीन कारगुजारी अवार्ड नाल सम्मानित करन दा भी ऐलान कीता है ताँ जो बाकी अफसरों को अपनी ड्यूटी सेवा भावना निभाने लिए प्रेरित किया जा सके। नशाग्रस्त लोगों मुख्यधारा में लियाने लिए भगवंत मान ने कहा कि सारे जिलों में नशा छुड़ाऊ और मुड़ वसेवा केंद्र एक महीने में शुरू और अपग्रेड कर दिए जाएं। ड्रग्स मामले में जेल में बंद अकाली आगू बिक्रम मजीठिया सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिता है। सुप्रीम कोर्ट वालों इस केस संबंधी सुनवाई को टाल दिया गया है। हुण इस मामले संबंधी 11 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। दसणयोग है कि मजीठिया ने सुप्रीम कोर्ट तो मोहाली दर्ज नशे के केस को रद्द करने की मांग की थी पर उनकी मांग पूरी नहीं हो सकी है। इस समय मजीठिया पटियाला की केंद्रीय जेल में बंद ने। मजीठिया का दोष है कि चोणों कारण उन्होंने फसाने लिए मामला दर्ज किया गया सी। साबका केंद्रीय मंत्री और संसद मैंबर हरसिमरत कौर बादल ने आज मांग की है कि अपनी सजावं पूरी कर चुके देश दी वख-वख जेलों में बंद सिख कैदियों को तुरंत रिहा किया जाए। बठिंडा के संसद मैंबर ने संसद में प्रश्नकाल दौरान यह मामला चुकया। उन्होंने सदन के ध्यान में लिया कि 2019 NDA सरकार ने श्री गुरु नानक देव जी के 550 साल प्रकाश पुरब उत्ते 8 सिख कैदियों लिए विशेष सज़ा माफ़ी का ऐलान किया। उन्हें कहा कि प्रोफेसर भुल्लर जिन्हों की फांसी की सज़ा 2014 में उम्र कैद में बदल दी गई सी अते गुरदीप सिंह खहरा हाले भी जेलों में बंद ने। बलवंत सिंह राजवाणा की फांसी की सज़ा माफ़ी की पटीशन उत्ते हो रही अणकियासी देरी की गल करदिआं बीबा बादल ने कहा कि हुण तां सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को हदायत की है कि वह 30 अप्रैल तक भाई राजवाणा की रहम की अपील उत्ते फैसला लवे। लुधियाणा के टिब्बा के इलाके सुतंत्र नगर में अकालिया वालों रंजिशन कुटमार करके कांग्रेस के वार्ड प्रधान मंगत राय का कतल कर दिया गया। अज पीड़ित परिवार नाल पंजाब कांग्रेस के आगू नवजोत सिंह सिद्धू ने दुख साझा किया। उन्होंने पीड़ित परिवार को हौसला दिता और कमिश्नरेट पुलिस को 48 घंटे का समा दिता है। उन्होंने कहना है कि जेकर पुलिस ने दोषी नहीं फड़े तो वह पुलिस कमिश्नर दफ्तर का घिराओ करेंगे। असी पोस्टमार्टम नहीं होने देना, असी लाश उत्थे ही रखनी है जब तक बंदे अरैसट नहीं होंगे। वैसे तो कमिश्नर साहब न इन्नी समझ होनी चाहिए है कि इतने 10-12 MLA बैठे है उन्होंने इन्ना कि इनफॉर्म करना चाहिए जी सानू। लेकिन सानू पुलिस की इज्जत है, असी बुधवार तक का टाइम दें नहीं तो फिर कमिश्नरेट घेरेंगे। और मैं सब तो अगे खड़ूंगा जो मर्जी हो जाए क्योंकि इस तो उत्ते साडे लई कोई लड़ाई नहीं। कांग्रेस का वर्कर होवे या अज जलंधर शरेआम गोलियां चलिया ने या कोई बंदा होवे फिरोजपुर उस मुंडे का की कसूर सी
जिदे 25 बंदियां ने गोलियां चला के गैंग वॉर चल रहे ने, किते कारां खोईयां जा रही ने, किते जनानियां दे सिरां दे विच रोडां मारियां जा रही ने, ये हो की रहा पंजाब च। इस करके ये बड़ा क्लीयर है कि ये लड़ाई पहल दे आधार दे उत्ते असीं लड़ांगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वालों देश भर में वध रही महंगाई के रोस वजो केंद्र सरकार खिलाफ वख-वख थाईं धरने दिए गए। जिला कांग्रेस कमेटी खन्ना वालों ललहेड़ी चौंक रोड विखे धरना दिता गया, जिस विच साबका मंत्री गुरकीरत सिंह कोटली भी पुजे। कांग्रेसी आगुओं ने महंगाई लई केंद्र सरकार नूं जिम्मेवार ठहराउंदे होए भाजपा नूं देश चलाउण विच फेल करार दिता। साबका मंत्री गुरकीरत सिंह कोटली ने कहा कि महंगाई इन्नी वध गई है कि लोगों का घरों बाहर निकलना मुश्किल हो गया। पूरे देश अंदर जिस स्तर से महंगाई बढ़ रही है और हर चीज आम लोगों के पहुंच से बाहर होती जा रही है और उसके नाल नाल पेट्रोल डीजल हर रोज बढ़ रहा है और इसके नाल बहुत बड़ी महंगाई की मार लोग चल रहे हैं। सो कांग्रेस पार्टी का नारा कि महंगाई मुक्त भारत और असी संघर्ष के अभी पुज चुके हैं। अज लोगों असी लामबंद कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वालों अच्छ बहुत व्डा जिथे खन्ने जिले का धरना लाया गया उसे वक्त वक्त थावान से इसे तरह महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है क्योंकि सरकार कांग्रेस दी भी नहीं है। अच्छ 10 साल तो केंद्र के मोदी सरकार चल रही है। बहुत ज़्यादा अंतर जोड़ा वा दो सरकार दिखाई दे रहा और जोड़ा पाड़ा इन्ना बढ़ चुकया कि अमीर बहुत ज़्यादा अमीर होंगे जा रहे हैं और वो जो आम लोग ने मिडलमैन वो पिसता जा रहा और ये पाड़ा इसका असर बढ़ गया तो देश बड़े खतरनाक हालातों के आ जाएगा। तो इस करके कांग्रेस पार्टी की यह वही भूमिका है और क्योंकि कांग्रेस का यह फर्ज है कि असी लोगों लामबंद करिए लोगों लैके इस संघर्ष के जो केंद्र की सरकार सुती पई है उसनों जगा सकीए। जिला तरन तारण अधीन पिंड कस्बा भीखी पिंड कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी के जिला प्रधान की अगवाई में वध रही महंगाई को लेकर नरेंद्र मोदी का पुतला फूकया गया। इस मौके पत्रकार नाल गल करदे ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी के जिला प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार वालों आए दिन पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर ते टोल प्लाजा दीआं कीमतां वधाईआं जा रहीआं ने जिन्हां कारण लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पै रहा है। अमृतसर में कांग्रेसी वर्करों ने वधदी महंगाई को लेकर केंद्र सरकार खिलाफ रोस प्रदर्शन किया, जिस दौरान कांग्रेसी वर्करों ने सड़क दरमियान गैस सिलेंडर ते होर समान रखिया अते उस उत्ते फुल मालावां भेंट कीतीआं। उन्हें कहा कि केंद्र सरकार दीआं गलत नीतियां कारण महंगाई दिन ब दिन वधदी जा रही है। 2014 बैच के IAS अधिकारी श्रीमती साक्षी सानी ने पटियाला नवे अते पहले महिला डिप्टी कमिश्नर वजों अहुदा संभालिया। उन्होंने संदीप हंस की जगह अहुदा संभालिया जिन्हां दी बदली DC होशियारपुर वजों हुई है। अहुदा संभालने मौके उन्होंने कहा कि लोगों के सरकारी दफ्तरों में बकाया कामों ते समस्यावां दे निपटारे लिए जिला प्रशासन कैंप आधारित मॉडल अपना के लोगों दीआं बरूहां तक पहुँच यकीनी बनाएगा। मैं सब तो पहला तो रबती मेहर मानती हाँ तो मैनू एक ओपरचुनिटी दिता गया इत्थे सर्व करन दा ते मैं ये सोचती हाँ कि आपां सांझेदारी नाल हिस्सेदारी नाल सारिआं नूं कट्ठे रल मिल के आपां प्रायोरिटीज़ भी इस तरह सैट करांगे कि पटियाला दे लोकां नूं की चाहिदा है। लोग भी आके मैनूं दसण, मैं सजेशनस भी मंगदी हाँ लोगों तो कि मैं नवी हाँ इत्थे ते मैं तुहाडी सर्विस लई इत्थे हाजिर हाँ। सो आई विल बी टेकिंग सजेशनस ऑलसो फ्रॉम द सिटीजनस ऑफ पटियाला ऑफकोर्स। लेकिन जिहड़ी साडी एक कोशिश रहेगी वह है कि आप सारियां नूं कट्ठे लैके आप इनकलूसिव ग्रोथ वल चलीए। बच्चों की अपनी मावां तीआं की इन्हां दी प्रायोरिटी साडी प्रायोरिटी रहेगी ते जो भी सर्विस है सिटीजन नूं हैसल फ्री मिले, कोई रेड टेप ना होवे, ट्रांसपेरेंट पारदर्शता नाल असी एक यही अप्रोच लेके चलांगे। पंजाबी सत पटियाला वालों सम्मान समारोह करवाया गया। ब्रिगेड भवन में हुए इस समारोह में अदारा चढ़दी कला के चेयरमैन पद्मश्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी और मैडम जसविंदर कौर दर्दी ते उगे पत्रकार अवतार सिंह गैरत ने शमूलियत की। इस मौके पंजाबी सत की मुख्य सेवादार बीबी डॉक्टर कुलवंत कौर ने आए पतवंतियों जी आया नूं कहा ते उन्हां दा सम्मान किया। इस मौके लेखक डॉक्टर कमलेश उपल उजागर सिंह ने विशेष तौर पर शमूलियत की। समारोह दौरान पद्मश्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने अपनी जिंदगी के तजर्बे सांझे किए। इस मौके हरी सिंह चमक डॉक्टर कमलजीत कौर मंगत खां ते बीबी परविंदर कौर ने शिरकत की। इस दौरान खास तौर उत्ते मस्ती की पाठशाला दीआं बच्चियां ने कवितावां दा गायन किया।
नैशनल थिएटर आर्ट सोसायटी रजिस्टर्ड पटियाला वालों बारांदरी गार्डन पटियाला विखे श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साल शताब्दी प्रकाश पर्व को समर्पित नुक्कड़ नाटक मेला करवाया गया, जिस विच मुख मेहमान वजो अदारा चढ़दी कला के चेयरमैन पद्मश्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने शमूलियत की। इस मौके प्राण सभरवाल डॉक्टर जनकराज सचदेवा डॉक्टर स्वराज समेत पटियाला दियां शख्सियतां ने सरदार जगजीत सिंह दर्दी का सन्मान किया। इस मौके सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने अपने संबोधन दौरान पत्रकारी के खेत्र में अपने तजर्बे साझे किए। श्री सुखमनी साहब सेवा सोसायटी पटियाला वालों निर्भय कलोनी विखे सुखमनी साहब का पाठ करवाया गया, जिस विच अदारा चढ़दी कला के चेयरमैन पद्मश्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने विशेष तौर पर शमूलियत की। इस मौके प्रबंधकों वालों सिर उपाओ और श्री साहब देख के सरदार जगजीत सिंह दर्दी का सन्मान किया गया। सरदार दर्दी ने संगतों को दसाया कि सेवा सिमरन और कुरबानिया का फल इंसान को मिलता है और हर सिख को गुरु साहब को अपने अंग संग समझ के गुरबाणी को समर्पित होने की लोड़ है। ये सारे जो श्री सुखमनी साहब सेवा सोसायटी के मैंबर हैं, असी सारे साथी हाँ तकरीबन अद्धी सदी तो ज़्यादा समय दे तो जदों वाहिगुरू की मेहर हो जाए किसी परिवार उत्ते तो फिर उसके बच्चे छोटी उम्र ही ही गुरबाणी नाल जुड़ के गुरु पातशाह के ज्ञान और बख्शिशां नूं प्राप्त करते पात्र बन जाते हैं। साड़ी किस्मत अच्छी सी कि साड़ी सोसायटी साड़ी जथेबंदी श्री सुखमनी साहब सेवा सोसायटी वांग गुरद्वारा गुरु नानक साहब तो बचपन में सेवा करता सुभाग मिलिया, क्योंकि उस सेवा विचों जो कुछ भी मिलिया है उसकी हुण सानू समझ आती है कि सतगुरु की सेवा गाखरी है, ये व्यर्थ नहीं जाती। फिर दूसरी गल जो साडे समझण वाली है कि गुरु मेरे संग सदा है जाए सिमर सिमर इस सदा संभाले, ये सच्ची गल है कि जो असी अरदास करते हाँ कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज संथाई होना जी सहाय गुरु गोबिंद सिंह महाराज सहाई होंगे। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जिते हुए मैंबरों नूं चेयरमैनियां दित्तियां जा रही ने, इसे तहत धर्म प्रचार की जिम्मेवारी बतौर चेयरमैन त्रिनगर तो मैंबर जसप्रीत सिंह करमसर नूं दित्ती गई है। नाल ही जतेंद्रपाल सिंह गोल्डी और इंद्रजीत सिंह मोंटी नूं को चेयरमैन बनाया गया। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका ते जनरल सकत्तर जगदीप सिंह कालों वालों इन्हां अगुआं नूं जिम्मेवारी सौंपी गई। करमसर ने कहा कि धर्म प्रचार एक अहम जिम्मेवारी है जिसनों पूरी तनदेही नाल निभाउणगे अते आने वाले दिनों में दिल्ली के हर इलाके में धर्म प्रचार के प्रोग्राम लिखे जाएंगे ताजो सारे लोगों को सिख धर्म प्रति जाणू करवाया जा सके। अज वधाई दें सरदार जतेंद्रपाल सिंह जी गोल्डी जिहड़े साडे साबका चेयरमैन रहे ने दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी धर्म प्रचार कमेटी के, उन्होंने तो नाल सरदार तरिंदर सिंह जी सोनी साहब जिहड़े को चेयरमैन बनाए गए हैं इत्थे गुरमत विद्यालय के। मैं समझना कि वह संस्था है जिथे जिथों बच्चों ने जिहड़ी साडी अगे आने वाले समय के प्रचारक बनना है रागी बनना है और जिन्होंने इतों गुरमत की विद्या लैके संसार भर के जिहड़ी विद्या वंडनी है ये उन्हां वास्ते ये जिहड़ी गुरमत कॉलेज बनाया गया और इहदी बहुत वड्डी जिम्मेवारी हुंदी है कि असी अपने बच्चों उसी तरीके एजुकेट कर सकीए ताकि सिक्खी नूं अगे जाके वह वधा सकन सिक्खी के बारे प्रचार कर सकन। सो इहदे विच जिते बहुत वड्डे सहयोगी साडे नाल भाई साहब भाई हरजीत सिंह जी जिहड़े इत्थे नाल सेवा कर रहे ने उन्हां दी भी अहम जिम्मेवारी है। समुची टीम नूं अज वधाई देण आया कि नवीं जिहड़ी तुसीं शुरुआत करन जा रहे हो गुरु महाराज के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के जिहड़े शॉर्ट टर्म कोर्सेज इत्थों चलाए जाते हैं इन्ना वड्डे अलग अलग सैमीनार्स कराए जाते हैं वो जो भी सहयोग जो भी सानूं रूपरेखा बढ़ा के देंगे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इन्हां दे देते हुए उस प्रोग्राम के उत्ते पूरा प्यारा देंदे हुए काम कराएगी। ज गुरमत कॉलेज जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा चलाया जा रहा अहम अदारा है, इस दे विच जो बतौर चेयरमैन की सेवा है वह सरदार जतेंद्रपाल सिंह जी गोल्डी होरां नूं दित्ती गई है और सरदार जतेंद्रपाल सिंह गोल्डी जिन्हों का कि बहुत पहले भी एक्सपीरियंस है, पहले भी उन्होंने बतौर धर्म प्रचार दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सेवा निभाई है, अज उन्हों ये सेवा मिली है और ये वो अहम अदारा है जिथे गुरु नानक दे घर की जो गुरबाणी है उस गुरबाणी का प्रचार और प्रसार जिथे किया जाता है उत्थे नाल ही प्रचार प्रसार करने वाले जो प्रचारक हैं वह भी इतों विद्या लैके तैयार होंगे। इतने बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज जोड़े आते जाते गुरबाणी के। सो अज सानू इस गल की खुशी है कि गोल्डी जी अज इतों बतौर चेयरमैन जी सेवा शुरू कर रहे हैं और मैं उन्होंने बधाई भी देखो गुरु साहब की कृपा सदगी जिम्मे पिछले तकरीबन 3 साल तो
प्रधान साहब ने जो मैंने धर्म बचा की सेवा दी सी, अज धर्म बचा की सेवा के नाल नाल गुरमत कॉलेज की चेयरमैन जी सेवा दी है, जिसे पिछले दो साल तो करोना करके शॉर्ट टर्म कोर्स जो बंद पिया आने वाली 16 तक तो इस कोर्स में शुरू कर जा रहे हैं। तकरीबन गुरु कृपा सदके संगत है तकरीबन 200 के करीब साढ़े को एडमिशन भी आ चुके हैं और गुरु साहब ने चाहे तो मेयर रहेगा 2000 एडमिशन तक पहुँचेगा और असं इस कोर्स में ऑनलाइन तो ऑफलाइन तो भी करा जूम के उत्ते भी कोर्स चलेगा और मैं संगतों को बेनती करा कि जिन्होंने हम इस कोर्स में ज्वाइन नहीं किया इस कोर्स में ज्वाइन करो और वो तो मेरा यही मकसद है कि घर घर धर्मसाल की गल जी गुरु साहब ने आखी है असं हर घर के अंदर गुरु का शब्द का प्रचार कर सकी गुरु के शब्द का जो घर घर के अंदर गहना पहुँच जाए ताकि असं गुरु शब्द में जुड़ के अपना जीवन सफल कर सकी और इस गल एम लैके चलते हुए अज तकरीबन साढ़े सारे रागी जथे सत्कार जो हरनाम सिंह प्रधान साहब सकत्र सारे पहुँचे ने मैं सारे धन्यवाद भी करना और जिस उम्मीद ना जिस प्यार करके सेवा मेरी जी झोली इन्होंने पाई है गुरु साहब मेरे कर मेरी कोशिश होएगी मैं उस मिशन से पूरा उतरा घर घर के गुरु शब्द पहुँचाने के अंदर मैं हर जगह हर कोशिश लिए तैयार हाँ। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका ते जनरल सकत्र जगदीप सिंह कालों वालों जतेंद्रपाल सिंह गोल्डी नूं गुरमत कॉलेज माता सुंदरी का चेयरमैन बनाए गए। आगुआ ने कहा कि इस गुरमत कॉलेज में बच्चों श्री गुरु ग्रंथ साहिब ते गुरमत के शॉर्ट टर्म कोर्स करवाए जाते हैं। गोल्डी ने कहा कि कोरोना कारण पिछले दो सालों तो यह कोर्स रुके हुए सन और हुण कोर्स जल्दी दोबारा शुरू किए जाएंगे ताजो आने वाली पीढ़ी को गुरसिखी नाल जोड़ा जा सके। अज वधाई दिंदे आ सरदार जतेंद्रपाल सिंह जी गोल्डी जिहड़े साडे साबका चेयरमैन रहे ने दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी धर्म प्रचार कमेटी के उन्होंने तो नाल सरदार तरिंदर सिंह जी सोनी साहब जिहड़े को चेयरमैन बनाए गए ने इत्थे गुरमत विद्यालय के। मैं समझदा कि वह संस्था है जिथे जिथों बच्चों ने जिहड़ी साडी अगे आने वाले समय के प्रचारक बनना है रागी बनना है और जिन्होंने इत्थों गुरमति विद्या लैके संसार भर के जिहड़ी विद्या वंडनी है ये उन्होंने वास्ते ये जी गुरमत कॉलेज बनाया गया और यदि बहुत बड़ी जिम्मेवारी होंगी है कि असी अपने बच्चों उसी तरीके एजुकेट कर सकी ताकि सिक्खी अगे जा के वधा सकन सिक्खी के बारे प्रचार कर सकन। सो ये जिते बहुत बड़े सहयोगी साढ़े नाल भाई साहब भाई हरजीत सिंह जी जे इतने नाल सेवा कर रहे हैं उन्होंने भी अहम जिम्मेवारी है। समुची टीम को अज बधाई देन आया कि नवी जी तुम शुरुआत कर जा रहे हो गुरु महाराज के गुरु ग्रंथ साहब महाराज के जोड़े शॉर्ट टर्म कोर्सेज इतों चलाए जाते हैं इन्ना व्डे अलग अलग सैमीनार्स कराए जाते हैं वो जो भी सहयोग जो भी सानू रूपरेखा बना के देंगे गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी इन्हों के देते हुए उस प्रोग्राम के उत्ते पूरा प्यारा देंदे हुए काम कराए ज गुरमत कॉलेज जो दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा चलाया जा रहा अहम अदारा है। इस दे विच जो बतौर चेयरमैन की सेवा है वह सरदार जतेंद्रपाल सिंह जी गोल्डी होरां नूं दित्ती गई है और सरदार जतेंद्रपाल सिंह गोल्डी जिन्ह का कि बहुत पहले भी एक्सपीरियंस है पहले भी उन्होंने बतौर धर्म प्रचार दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी सेवा निभाई है अज उन्होंने ये सेवा मिली है और वो अहम अदारा है जिथे गुरु नानक दे घर की जो गुरबाणी है उस गुरबाणी का प्रचार और प्रसार जिथे किया जाता है उत्थे नाल ही प्रचार प्रसार करने वाले जो प्रचारक हैं वो भी इत्थों विद्या लैके तैयार होंदे हन। इत्थे बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज जिहड़े आ वो किए जाते गुरबाणी के। सो अज सानू इस गल की खुशी है कि गोल्डी जी अज इत्थों बतौर चेयरमैन जिहड़ी आ उह सेवा शुरू कर रहे हैं और मैं उन्होंने वधाई भी देखो गुरु साहब की कृपा सदके जिवें पिछले तकरीबन 3 सालों तो प्रधान साहब ने जो मैंने धर्म बचा की सेवा दी सी अज धर्म बचा की सेवा के नाल नाल गुरमत कॉलेज के चेयरमैन की सेवा दी है जिहदे पिछले 2 साल तो करोना करके शॉर्ट टर्म कोर्स जो बंद पिया असी आने वाली 16 तक तो इस कोर्स में शुरू कर जा रहे हैं। तकरीबन गुरु कृपा सदके संगत है तकरीबन 200 के करीब साढ़े को एडमिशन भी आ चुके हैं और गुरु साहब ने चाहे तो मेयर रहेगा 2000 एडमिशन तक पहुँचेगा और असी इस कोर्स में ऑनलाइन तो ऑफलाइन तो भी करा जूम के उत्ते भी कोर्स चलेगा और मैं संगतों को बेनती करा कि जिन्होंने हम इस कोर्स में ज्वाइन नहीं किया इस कोर्स में ज्वाइन करो और वो तो मेरा यही मकसद है कि घर घर धर्मसाल की गल जी गुरु साहब ने आखी है असं हर घर के अंदर गुरु का शब्द का प्रचार कर सकी गुरु के शब्द का जो घर घर के अंदर गहना पहुँच जाए ताकि असं गुरु शब्द में जुड़ के अपना जीवन सफल कर सकी और इस गल एम लैके चलते हुए अज तकरीबन साढ़े सारे रागी जथे सत्कार जो हरनाम सिंह प्रधान साहब सकत्र सारे पहुँचे ने मैं सारे धन्यवाद भी करना और जिस उम्मीद ना जिस प्यार करके सेवा मेरी जी झोली इन्होंने पाई है गुरु साहब मेरे कर मेरी कोशिश होएगी मैं उस मिशन से पूरा उतरा घर घर के गुरु शब्द पहुँचाने के अंदर मैं हर जगह हर कोशिश लिए तैयार हाँ। गुरदासपुर के कस्बा कानूबाण के पिंड फुलड़ा में जमीनी वाद को लेकर दो तरह में चली गोली दौरान मौजूदा सरपंचनी के पति सुखराज सिंह समेत 3 व्यक्तियों की मौत हो गई।
इन दूजे मृतकों का नाम निशान सिंह जैमल सिंह दसा जा रहा है। जंगलात विभाग के गार्ड निर्मल सिंह उसके साथियों वालों गोली चलाई गई जिस कारण तिना की मौत हुई है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों वालों मामले की तफ्तीश की जा रही है। अमृतसर के रणजीत एवेन्यू के निजी रेस्टोरेंट की तीसरी मंजिल उत्ते अज अचानक अग लग गई जिस कारण हड़कंप मच गया। इस तो बाद आईलैट्स सेंटर चलाने वाले दफ्तर विद्यार्थियों थले भेज के फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। इस संबंधी जानकारी दिंदिया थाना रणजीत एवेन्यू के SHO और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने अग लगन बाबत सूचना मिली सी जिस तो बाद उन्होंने कड़ी मुशक्कत नाल अग उत्ते काबू पाया। फिलहाल अग लगन के कारणों का खुलासा नहीं हो सकया। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं जाते नज़र मारदे मौसम के हाल उत्ते बने रहो चढ़ती कला टाइम टीवी के नाल धन्यवाद।